स्वच्छ भारत मिशन को 3 साल हो गए हैं, मगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का एक गांव अभी भी बिना शौचालय के है। बानपुर नाम के इस गांव के 524 परिवार शौचालय बनवाने के लिए आवेदन कर चुके हैं। देखिए ये रिपोर्ट। राजधानी भोपाल के इस गांव भानपुर की कुल आबादी करीब 40,000 है, जिसमें से करीब 524 परिवारों ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के लिए आवेदन किया है, जिसमें 496 परिवारों को मंजूरी तो मिली, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से सिर्फ दिलासे के अलावा कुछ और नहीं मिला। हालात ये हैं कि गांव में एक भी शौचालय नहीं है। हाँ, बाहर जाते शौचालय की ये स्थिति है, अभी मान के चलो 10% भी नहीं बने। गांव की सरपंच ने भी शासन को दोषी ठहराया। अभी इसी तरह के नहीं बना रहे सर, कि वो सोच रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कैसे बनाएं। अभी ठेकेदार आए थे, थोड़ा थोड़ा काम, कहीं मटेरियल पटक गए कहीं नहीं पटका, लिस्ट में नाम जरूर है, मानो कहीं मटेरियल पटका कहीं नहीं पटका, वो कहीं कुछ बनाए, कहीं गड्ढे कर दिए तो कहीं बना दिया है। साल 2014 में शुरू हुए स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे देश में अब तक 4,20,00,000 शौचालय बनाए जा चुके हैं। सरकार को अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए 66% हिस्सा आने वाले 2 साल में हासिल करना है, लेकिन सरकार अपने स्वच्छ भारत के सपने को हासिल करने में नाकामयाब होती नजर आ रही है। जुलाई 2014 में जारी किए गए NSSO के डाटा के मुताबिक देश के 59.4% ग्रामीण इलाकों में अभी तक शौचालय नहीं है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट के अनुसार अगर देखें तो पूरे देश में करीब 10 करोड़ शौचालय हैं और स्वच्छ भारत मिशन के 3 साल पूरे होने के बावजूद देश में 14 करोड़ घर अभी भी ऐसे हैं जो शौचालय की सुविधा से दूर हैं। गो न्यूज़ ब्यूरो।